ये मेरा दीवानापन, ये मेरा दीवानापन। Welcome, dear viewers. Today, my content is about talat, mehmood songs, Mohammad Rafi, Mukesh, and Mukesh and talat, mehmood and Mohammad Rafi songs for Dalip Kumar. Dosto, Shankar Ji Krishna's films came to information. How talent brought to practical Hindi geet sangeet. Dosto, aaj hum kaise geet ki charcha karenge, jisme Mukesh ki awaaz jo zamane mein 1950 के दौर में दलित महमूद की आवाज़ जो मुखमली आवाज़ थी, उस ज़माने में बहुत सुपरहिट क्लासिकल सॉन्ग्स में गीत संगीत थे। दोस्तों, कई ऐसे गीत उस ज़माने में थे जिसमें मुकेश, उसके अलावा की आवाज़, दलित महमूद की आवाज़ को जो है ज़्यादा दिलीप कुमार पसंद करते थे। और दिलीप कुमार की फिल्में दोस्तों आप उस ज़माने में देख सकते हैं कि आरजू है, दाग है, आराम से, दीज और फिल्म्स सॉन्ग फॉर मुकेश, दलित महमूद की आवाज़ जो उस ज़माने में दिलीप कुमार को दोस्तों बहुत ज़्यादा ये गीत संगीत पसंद थे। और दोस्तों ये उस ज़माने में की बात है जिसमें कई उस ज़माने में दोस्तों ये गीत तो रहे, लेकिन उसके बाद मोहम्मद रफ़ी का जो दौर शुरू हुआ वो दीदार फिल्म्स के बाद ये शुरू होता है। और बीच में फिर बिटवीन मुकेश और तलत महमूद की भी आवाज़ चलती रही, लेकिन तलत महमूद की आवाज़ को दिलीप कुमार चाहते थे और उसको ये एक गीत था। 1955 में एक फिल्म थी जिसमें वैजयंती माला और दिलीप कुमार ने फिल्म के लिए गीत चाहे, और जिसमें उस फिल्म के लिए जो है अनिल को भी जो 1959 की फिल्म में जो अवार्ड भी मिला उस फिल्म में। दोस्तों ये एक ऐसी उस ज़माने की फिल्म थी जिसमें जो जिसमें अवार्ड्स दिए गए, और ये उसके अलावा दीवाने फिल्म्स और उसके अलावा कई ऐसी फिल्म जिसमें यहूदी फिल्म उस ज़माने में बहुत मशहूर रही। और यहूदी फिल्म दोस्तों शंकर जी कृष्ण की थी, और मधुमती जो एक फिल्म थी हिंदी गीत का जिसमें गीत रहे, शंकर जी कृष्ण ने उसके गीत संगीत दिए। लेकिन दोस्तों मुकेश का और तलत महमूद का और मोहम्मद रफ़ी का ये दौर था, लेकिन मोहम्मद रफ़ी को फिर बाद में सेलेक्ट किया और आवाज़ पर फिट्स रही दिलीप कुमार के लिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम चर्चा करेंगे मुकेश के लिए एक गीत था जिसका उस ज़माने में शंकर जी कृष्ण ने एक गीत दिया था, यहाँ सुहाना सफ़र और मौसम हम दीवाने। दोस्तों इसमें दिलीप कुमार ये मेरा दीवानापन ये जो दोस्तों इसमें मुकेश ने आवाज़ जो ट्रिपलिंग वॉइस दी, और उसके बाद तलत महमूद की जो आवाज़ उस वक्त बहुत मशहूर था, तलत महमूद की आवाज़ जो क्लासिकल सिंगिंग्स में जो हार्ट टचिंग वॉइस जिसमें ऐ मेरे दिल कहीं और चल, ऐ मेरे दिल कहीं और चल। दोस्तों रफ़ी के उस ज़माने में जो मशहूर रहा दिलीप कुमार के लिए जो सॉन्ग्स थे, टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये सिखाया है, दिल ने जिसे पाया है आँखों ने कमाया है, टूटे हुए ख्वाबों ने। दिस वॉज वेरी डिफ़िकल्ट सॉन्ग। दोस्तों ये गीत जो मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया ये बहुत मुश्किल सॉन्ग था, लेकिन दिलीप कुमार पे ये फिट्स आवाज़ मोहम्मद रफ़ी साहब की, और क्योंकि और सिंगर उस गीत को बहुत मुश्किल से गाते, और यहूदी फिल्म की का जो गीत है ये मेरा दीवानापन तलत महमूद की आवाज़ में हो, दिलीप जो वांट टू तलत महमूद की आवाज़ में, लेकिन बाद में मुकेश को दिया गया। लेकिन शंकर जी कृष्ण भी बड़े परेशान थे, लेकिन उसने दिलीप कुमार को कहा कि पहले जो है ये गीत जो है, उन्होंने ये डिसाइड किया कि ये गीत जो है हम
पिघवाते हैं, अगर आपको पसंद आए तो फिर अब उसके बाद जो है हम रिहर्सल सॉन्ग गाएंगे। तो दोस्तों शंकर जी किशन और मुकेश की दोस्ती अपने ज़माने में रही, जिसमें तलत महमूद भी अपने ज़माने में सुपरहिट गीत दे रहे थे और मोहम्मद रफ़ी साहब भी। लेकिन दोस्तों ये तीन चार दिन बाद मुकेश इसमें बड़े परेशान भी हुए और उसको जो है तीन चार दिन आना पड़ा और दिस एक वीक्स के लिए उन्होंने एक हफ्ते के लिए ये गीत गाए और मुकेश ने इसको गीत के लिए टेक्स दिए। और जब वो गीत पूरा हुआ तो दिलीप कुमार को सुनाया गया, तो ये दिलीप कुमार ने कहा कि दिस इज़ द वेरी बेस्ट और उसको बहुत दिलीप कुमार ने उस ज़माने में इस गीत को पसंद किया। दोस्तों ये 1969 की फिल्म थी यहूदी फिल्म, जिसमें तलत और मुकेश की आवाज़ों में गीत थी। और दोस्तों उस ज़माने में जो लता मंगेशकर ने भी उस ज़माने में 1969 की फिल्म में उसने अवार्ड्स लिया था फीमेल प्लेबैक सिंगर्स में। 1969 की फिल्म में लता को जो है ये अवार्ड्स मिला था। और दोस्तों ये गीत जो सुपर हिट्स गीत रहा और मुकेश के गीत को जो है उस वक्त वो नहीं चाहते थे दिलीप कुमार, लेकिन ना होते हुए भी कैसे ऐसे ऐसे गीत होते हैं जो सुपर हिट हो जाते हैं। और वो गीत कौन सा था ये आपको सुनाते हैं मुकेश की आवाज़ में, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं ये गीत है, ये मेरा दीवानापन, ये मेरा दीवानापन। These songs came to today my information talat mehmood mukesh and mohammad rafi dosto aur karyakram sabhi rehte hain lekin channel ko subscribe kare like kare ye meri ek shart puri ki hai jo females ne kaha tha ki aap chehre se apni aankhein, lekin garmi hai jiski wajah se humko chundiyana hoti hai, lekin koshish ki hai ki geet sangeet aapko sunaye। thank for watching।